बाबा हाँ बेटा कहानी सुनाई है ना कौन से? अपने घर की। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड के सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीकी उपमहाद्वीप से आ टकराया, जिससे आसपास के पेड़ पौधों पर गहरा असर हुआ। जब इंसान पृथ्वी पर आया तो 5 कबीले यहां बस गए और धरती के इस हिस्से को नाम मिला वकांडा। ये 5 कबीले आपस में एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। फिर एक दिन एक शमन योद्धा को चीते के रूप वाली देवी पस्त ने दर्शन दिए और उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तक ले गई जिसका आकार दिल की तरह था। इस जड़ी बूटी ने शमन में आसमानी ताकत, रफ्तार और सूझबूझ भर दी। एक शूरवीर सम्राट बन गया और कहलाया ब्लैक पैंथर, वकांडा का रक्षक। 4 कबीलों ने सम्राट के रक्षण में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन जबारी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ों में बस गया। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वकांडा का विज्ञान दूसरे देशों से बहुत आगे निकल गया। एक तरफ वकांडा फल फूल रहा था तो दूसरी ओर बाकी देश युद्ध और विनाश से जूझ रहे थे। वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए वकांडा वासियों ने अपनी पहचान छिपाने की शपथ ली ताकि उनका राज कभी दुनिया के सामने ना आए। हम अभी भी छुपते हैं बाबा। हाँ बेटा। क्यों?